and gentlemen, this is what Young India is all about. Wow. Excuse me. तो मैं चाहूंगा ऋषि जी आप ही स्टेज पर आए, आदित्य आप ही, अरे ताली बजाओ आदित्य के लिए यार. लुक एट दैट, सीरियसली वन ऑफ द नाइसेस्ट गाइस आई हैव मेट इन माय लाइफ. लव यू ब्रदर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. थैंक यू फॉर कमिंग हियर. और अब आरजे आकृति प्लीज आ जाइए स्टेज पर. आइए आइए आइए. अरे वहां पे आप ताली बजाइए उनके लिए. क्या बात है मेरी अच्छी दोस्त, आप रेड एफएम में उनको सुन सकती हैं और आज खुद अपना कैमरा लेके आई ताकि एक एक पल उनको डॉक्यूमेंट कर सके. आरजे आकृति के लिए तालियों की गूंज. व्हाट अ फायर ब्रांड ऑन इंडियन रेडियो. कैसी आकृति, मजे कर रही है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला क्रिएटर baby Sasha Bohir started with 10 followers in May 2021. An Instagram journey of posting day-to-day talks and happenings in a real life with all increasing followers gave it a tagline of Kappa with Sasha. Today she's only 8 years old, carrying out the lead character roles, especially when it comes to children, changing the game. More than 2 lakh followers on Instagram, baby Sasha. मी आता फक्त आणि फक्त इथे माझ्या मम्मा बाबा मुळेच आहे. थँक यू सो मच गणपती बाप्पा. अरे क्या, अच्छा बेबी एक गाना गाओगे हमारे लिए? एक गाना प्लीज. नहीं आता, नहीं आता. अरे क्या बोल रहे हो आप, कुछ तो आता होगा. फेवरेट गाना, एनीथिंग, एनीथिंग, योर फेवरेट बॉलीवुड. एक एक लाइन भी हो जाए. कम ऑन साइशा, गो फॉर इट. अच्छा कुछ भी स्कूल में सीखा है कुछ? नहीं तो नहीं, मुझको ना म्यूजिक आती ही नहीं है. नहीं नहीं मैं करूँ, मेरे साथ गाएगी क्या? हाँ चलेगा. पक्का गाएगी ना? पक्का. 100%? 100%. ये 1980s का गाना चलेगा? चलेगा. बोलो प्यार हमें, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया. क्या क्या बेटा, 1980s के गाने छोड़ दे, कोई टेंशन नहीं. लव यू, थैंक यू सो मच. क्या एनर्जी है बाबा, एक हाई फाई दे दे. वाओ, गिव इट अप फॉर बेबी साइशा. थैंक यू डार्लिंग. ये मैंने सीख लिया कि बाबा 80s का म्यूजिक इस वक्त नहीं. ऑलराइट, अरे बेबी इधर आ जाओ यार. If mainstream media was the only way, and with all due respect to you or to me as, you know, Lokmat and Samna, we've also got a beautiful way of reaching out directly to the people. I think as media houses, we're all adjusting to the newer ways of life. Life is changing, life is moving at a rapid pace. Politics has become 24/7, likewise almost every other industry. Probably have 6,000 followers or 6 million followers. The fact is, even if you can influence even a single person, that's a huge thing in your life. So for all of us here, I think it's a big win. Thank you so much for having me here, and it's an honor to meet everyone, to learn and try to keep pace with. So thank you for having me here. Aditya, हम सब जानते हैं कि digital engagement ये आसान चीज़ नहीं है. ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाता है. इसके पीछे जितने भी क्रिएटर्स यहाँ पे हैं, आप खुद भी, बहुत हार्डवर्क रहता है, कंटिन्यूस एक कंसिस्टेंसी रहती है. मैं जानना चाहूँगा कि आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी फ्रॉम अ पॉलिटिशियन पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी क्या रहती है? आपके टीम में कितने लोग हैं? किस तरीके से प्लानिंग होती है? करंटली तो हमारी बॉक्सिंग चालू है रोज ऑन द स्ट्रीट, बट ऑफ कोर्स दो तरीके की होती है पॉलिटिक्स में. वन इज व्हेन यू आर इन गवर्नमेंट, व्हेन यू आर इन, यू नो, एक्टिव सर्विस थ्रू गवर्नेंस, you can obviously put out the good work that you're doing, be it right from the electric buses, the drab liquor buses that have come into the streets, or anything else that you've been doing, right from beach cleanups to whatever. The other side is of course the opposition, and I think that is a very very important place to be. That's a more responsible place to be, because as opposition generally, you tend to indulge in politics of a certain kind, be it allegations, be it improper, you know, allegations of a different kind. I think that is where for us as politicians we need to keep a certain sense of dignity. टफ चीज यही होती है कि यार पोस्ट डालू कि रील डालू, बिकॉज आजकल रील्स के सिवा तो व्यूज आते नहीं है. तो सबको पता है कि रील्स डालो, तो ये रील्स के चक्कर में यू आर लुकिंग एट इंस्टाग्रामर्स, यू नो, इन्फ्लुएंसर्स ओपन नाइस बॉक्सेस ऑफ आईफोन्स एंड लैपटॉप्स, और कोई कुछ शूज खोल रहे हैं, कोई कुछ अलग ब्रांड्स को अनबॉक्स करके दुनिया को दिखा रहे हैं, और हम लोग
गवर्नमेंट के स्कैम्स दिखा रहे हैं. तो फर्क यही होता है कि हमारे व्यूज कितने बढ़ सकते हैं और कितने जेन्युइनली व्यूज आ सकते हैं. तो आई थिंक दैट इज द डिफरेंस. बट तकलीफ तो होती है बिकॉज इट्स अ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड एंड यू हैव गॉट टू कीप अप विद इट. यहाँ पे जो आए हुए क्रिएटर्स हैं आदित्य, इनमें से आप किन लोगों को फॉलो करते हैं? आई नो योर स्कूल मेंबर्स आल्सो योर मासूम इज हियर. शी वाज 2 इयर्स जूनियर टू अस एंड शी इज टोल्ड यू दैट शी विल हैव सीक्रेट्स अबाउट मी फ्रॉम स्कूल. वी विल गेट हर ऑन स्टेज दैट टाइम. वी विल बी सम सीक्रेट्स राइट नाउ. बट या आई रिमेंबर हर. शी वाज यू नो 2 इयर्स जूनियर टू मी. वी वर वर्किंग टुगेदर एज प्रीफेक्ट एंड टास्क फोर्स बैक देन. पुश्ड ऑन स्टेज बाय प्रिंसिपल डॉक्टर डीपेन प्रसाद. I think even she would agree that whatever we are today, largely the confidence that we have is because of our school. So that is one thing. But so many faces here are known to us, except I think Manav's face, which is for the first time that I'm seeing. Because normally दूसरों के दूसरे लोगों की stories और faces हम देखते हैं उनके इस पे, but आज उनको देख रहा हूँ तो. But a lot of people here. There's Neil who does fantastic work and you know. We've met before, the whole team along with him. So many people. It would be interesting. Devyani, Neil, we've done a podcast with. So many people, of course. Ashish sir, we keep watching all the time. Great fun to, you know, go through all the time. Neil, हम लोगों ने आप लोग के साथ में और आदित्य के साथ में एक अच्छा sketch plan करना चाहिए. Lokmat will make it happen for sure. Would be interesting for a politician to actually do some comedy, to understand how to do comedy, and Aditya is good at it. But उसके बाद लोगों का मत भी अच्छा होना चाहिए. Yeah, I just met another Aditya Thackeray also. Yeah. So I think that could be a good campaign strategy. Aditya, आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये एक बहुत मुश्किल वक्त है. मुझे पता है कि आप इसे बहुत ज़ोरों से आप इसके साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन अभी आज आपके मन में क्या चल रहा है? आपकी आगे के कुछ आने वाले महीनों में आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? यू नो, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा वक्त कभी आप पे आपके परिवार पे आया होगा, इतना मुश्किल वक्त. ऋषि, आप भी इस फील्ड में काफ़ी समय से रहे हैं, मीडिया हाउस से है, तो आपको भी पता है. इनफैक्ट यू हैव अ इलस्ट्रियस फैमिली बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड टू डू विद इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री. सो मुझे लगता है कि एक ही बात है, चलो एक बार हमारी पार्टी का एक बाजू में रख दीजिए, हमारी फैमिली का एक बाजू में रख दीजिए, लेकिन जो आज सिचुएशन महाराष्ट्र में तैयार हुई है, जहाँ एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बैठी हुई है, 9 महीनों से कुछ भी डिसीजन लेते जा रही है, स्कैम पे स्कैम आते जा रहे हैं, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है, और वो हमारा सब कुछ क्लेम करना चाहते हैं. यानी नाम भी ले लो, फैमिली नेम ले लो, हमारे दादाजी को चुरा लो, सब चोरने की बात हो रही है. तकलीफ इसी बात की है कि मोर देन वॉट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस, आई थिंक वी आर फेसिंग डिफिकल्ट डेज फॉर अ डेमोक्रेसी. यू लुक एट जनरली अक्रॉस द कंट्री, नॉट जस्ट महाराष्ट्र, कुछ भी आप बात कीजिए, यू आर सेंसर्ड राइट अवे. कुछ भी आप कहिए कि ये मुझे इस गवर्नमेंट का पसंद नहीं आया या इस पर्टिकुलर पार्टी का पसंद नहीं आया, यू हैव ट्रोल्स हिटिंग एट यू लेफ्ट राइट सेंटर, एंड मोस्ट ऑफ दीज ट्रोल्स आर एक्चुअली नॉट इवन रियल पीपल, दे आर फेसलेस पीपल. यू हैव पुलिस केसेस अगेंस्ट यू, यू हैव एजेंसीज रेडिंग यू. आई थिंक द फैक्ट ऑफ द मैटर टुडे इज वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डिक्टेटरशिप, और वी आर इन एन अनसेट अनडिक्लेयर्ड डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप इमरजेंसी. ये देश के लिए घातक होगा अगर हमारी लोकशाही जो है, लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है, फ्री वॉइस जो है. आपने मुझे अभी जो एक मेमेंटो दिया, इट सेज फ्रीडम ऑफ प्रेस टुडे, दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इन डेंजर. एज ऑफ टुडे एंड एज ऑफ यस्टरडे यू हैड पॉलिटिशियंस बीइंग रेडेड, फेसिंग लीगल ट्रबल्स फॉर स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट और स्पीकिंग द ट्रूथ. Tomorrow, or probably it started already today, where the press and the common man and all of us out here, you voice one thing which is a little astray from the policy of the government, and you'll have people behind you. I think that is a dangerous trend, to be able to accept criticism in the face, to be able to criticize someone in the face, and to be able to speak the truth with your legitimate face on your social media page is truth, is guts, is glory. But to have bots troll you, I think that's cowardice. And to have a government of a majority to be doing this is even more shameful. लेकिन ये जो गवर्नमेंट बनी आदित्य, कुछ हफ्ते पहले श्री अजीत पवार जी लोकमत के मंच पर थे पूना में, और उन्होंने ऐसा कहा कि जो रिवॉल्ट हो रहा था, जो विद्रोह हो रहा था, उसकी जानकारी तब सीएम श्री उद्धव ठाकरे जी को दी गई थी, और उन्होंने उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया. ऋषि, आई
मैं आज आपको हेडलाइंस नहीं हैशटैग देने आया हूँ, तो आई थिंक ये सब लोग बोर हो जाएंगे पॉलिटिक्स सुन के। आई कल बोर होते कि ठीक है चालेल। नहीं आदित्य पॉइंट सगा You'll have to say, are you enjoying the conversation or not? हमें लोग मत सुनना है, अगर लोगों का मत अलग हो तो सब जानना चाहते हैं। नहीं देखिए, एक बात जरूर है कि ये जो चल रहा था मसला, अगर आप सीएम के बारे में बात करें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उनको तो 20 मई को बुलाया गया था। मैं तब दैवोस में था, आई वॉज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। इन दोज थ्री डेज वी ब्रॉट बैक 80,000 करोड़ टू महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट, एंड यू नो वट एवर वी डन इज आउट ऑन ट्विटर, ऑन इंस्टाग्राम, एवरीवेयर। माय फादर हु वाज द चीफ मिनिस्टर बैक देन हैड कॉल्ड मिस्टर एकनाथ शिंदे, एंड हमें पता चला था, क्योंकि ये जब मेरी फादर की सर्जरी हुई थी, पहली और दूसरी भी एक इमरजेंसी सर्जरी हुई थी, तब से इनके मन में कुछ चल रहा था, जो अभी हम गद्दार कहते हैं जिनको, ट्रेटर्स, तो उनके मन में चल रहा था कि पार्टी से फूटे, खुद सीएम बनने की चांस है, क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ऐसी थी कि उन पे कुछ काफ़ी बड़ा दबाव था, और ये तो अगर आप लोगों से पूछे, मैं नहीं कह रहा हूँ, गांव में भी जाए तो भी लोग कहते हैं कौन से तरह के दबाव हमारे देश में बन जाते हैं। तो उनके मन में ये चल रहा था, तभी भी 20 मई को पूछा था कि आपके मन में क्या है, आप बगावत की सोच में हैं? बगावत तो की नहीं, क्योंकि बगावत के लिए एक हिम्मत लगती है, वहीं के वहीं खड़े रहकर बगावत होती है। ये जो हुआ वो गद्दारी हुई है, वो पीठ में छुरा को बस की गए। लेकिन अगर ये अगर बात कहे तो ये सबको पता था, लेकिन जो खुद को बेचे हुए हैं उनको कितने देर तक आप रोक सकते हो? रोक के क्या फ़ायदा भी क्या है? जिन्होंने खुद के सोल को बेचा है, खुद की ज़मीर को बेचा है, तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे? आदित्य जी, लेकिन अभी अजीत पवार जी का जिक्र निकला, इसलिए पूछता हूँ कि अजीत पवार जब DCM थे तब कई MLA शिवसेना के आपको आकर मिलते थे और कहते थे कि जो MLA फंड रहता है वो हमें दिया नहीं जा रहा है, शिवसेना के MLAs को नहीं मिल रहा है, अजीत पवार सिर्फ NCP के लोगों को वो फंड दे रहे हैं, और ऐसा चलता रहा तो हमको चुन के आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हर कोई MLA शिवसेना का बोलता था, और ये भी बोलते थे कि हम उद्धव जी को बता रहे हैं, आदित्य जी को बता रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, क्या सच था? अतुल जी देखिए, ये बात अगर आप देखें तो एक नैरेटिव बिल्डिंग की जो होती है, इनफैक्ट जो पहला अधिवेशन हुआ या सेशन हुआ, वहाँ तो अजीत पवार साहब ने पूरे फंड की एक हिस्ट्री पढ़ के दिखाई। तो जो जो मंत्री सामने बैठे थे, जिन्होंने गद्दारी की सामने जाके बैठे हुए थे, उनके जब फंड्स की बात आई तो लोगों को पता चला। MLAs के भी बारे में जो अगर आप फंड्स देखें तो हिस्टोरिक फंड जैसे कभी पहले नहीं मिला हुआ, शायद हमारे समय मिला हुआ था। अभी आप उनसे उनके हाल पूछें, अभी आप उनके मन की बात क्या है पूछें, क्योंकि अभी तो ना फंड्स मिल रहे हैं, ना आवाज़ है, ना कुछ है। और ये भी है कि अगर आप देखें तो अगर न्याय मिलेगा हमें सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सारे के सारे लोग डिस्क्वालीफाई होंगे। आज नहीं तो कल इनको डिस्क्वालीफाई होना है, क्योंकि ये कभी भी हमारे देश में हुआ नहीं था कि एंटी डिफेक्शन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करके ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, तो इनको डिस्क्वालीफाई तो होना है। मैं तो उनको हर दिन चुनौती दे रहा हूँ कि चलो लड़ो चुनाव, इस्तीफा दीजिए, चुनाव लड़िए, फिर जो भी जनता डिसाइड करेगी हम उनके फेवर में रहेंगे। तो मैंने तो सीएम को भी चैलेंज दिया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ हम बैठे हैं वर्ली में, वहाँ से लड़िए, नहीं तो मैं आपके पास आता हूँ, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते हैं। आपने बहुत बार इसका जिक्र किया है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस होने चाहिए, तो इलेक्शंस हो क्यों नहीं रहे? डर अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि वो इलेक्शन ना लें। देखिए, वो जो है, जो उनके मित्र पक्ष है और ये जो गद्दार गैंग है, वो चलती है काफ़ी सारे सर्वेस पे, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये पूरे दुनिया में पता है कि उनके जो सर्वेस बता रहे हैं कि जो उन्होंने ये सारी गद्दारी की वो किसी को भी पसंद नहीं आई। जिस व्यक्ति ने आपको बनाया है, जिस व्यक्ति ने सब कुछ दिया, टिकट से लेकर मंत्री पद दिया, उसी के पीठ में ऐसे वार करके निकल जाना, हाँ आप कहिए सॉरी आपसे जमती नहीं है, हम पार्टी बदल रहे, इस्तीफा दीजिए, चुनाव लड़िए, जहाँ जाना जाए, लेकिन ये जो एक बिहेवियर है वो गलत था। और आज भी मैं कहता हूँ कि BMC के चुनाव एक साल से ज़्यादा हुए नहीं है। मुंबई हो, पुणे हो, कोल्हापुर हो, सोलापुर हो, नागपुर हो, नाशिक हो, अन्य सारे जगह पे भी चुनाव अभी तक हुए नहीं है। खुद 40 जो लोग हैं वो चुनाव को सामने जाने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कौन सी बात और ये कौन सी डेमोक्रेसी? हमने अगर आप देखें तो हर जगह कुछ प्लास्टर किया गया था मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और इस डेमोक्रेसी में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को बाहर रखें, इस डेमोक्रेसी में अगर आप चुनाव के लिए डर रहे हो, तो ये कौन सी डेमोक्रेसी बनी? जी, अभी आपने डर की बात कही, पैसों की बात कही, संजय राउत को लेकर ये उन्होंने अभी एक बयान दिया कि 2,000 करोड़ का इसमें सब लेन देन हुआ, लेकिन जो कोर्ट में दिया गया उसमें नहीं उसका मेंशन किया गया है। संजय राउत जी के जो बयान आते हैं, लोग अक्सर ये कहते हैं कि संजय राउत जो है
वो शरद पवार के लिए काम करते हैं, एनसीपी के लिए काम करते हैं, है शिवसेना के, लेकिन काम उनके लिए करते हैं। और जब भी कुछ जुड़ने की बात आती है, वो ऐसा कुछ बयान आता है उनका कि फिर और दूर दूर हो जाते हैं सब। क्यों होता है ऐसा? ये सिर्फ हमारे जो पुराने दोस्त हैं वो कहते हैं। और अगर आप देखें तो पवार साहब हो या फिर कांग्रेस हो, एनसीपी हो, हम हो, अक्सर ये कहा जाता था, हमें बताया जाता था कि देखो ये अननेचुरल अलायंस है, ये पॉलिटिकली नेचुरल अलायंस नहीं है, ये दूर जाएंगे आपसे। सत्य तो यही है कि वो दोनों तो साथ में रहे और जो हम अपने समझते थे वो हमसे दूर चले गए, और वो भी गद्दारी करके। तो बात समझने की साफ है, जाहिर है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन में भी देखें तो जिस बात पे हमसे एफिडेविट्स मांगे गए थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, वो बिना देखे इलेक्शन कमीशन में तो पहले से ही तय था कि लोगों उनको देना है, नाम उनको देना है। अगर आप, मैं यहाँ एक आदित्य ठाकरे बैठे हूँ, तो वो आदित्य ठाकरे उनको दे देंगे। तो संजय राउत जी ने ये तो बात, जैसे मैंने कल कही कि इलेक्शन कमीशन इज नाउ चेंज टू एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड। और यही इलेक्शन कमीशन में तीन ऑफिसर्स में एक ऑफिसर ऐसे हैं जिन पे अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, केस भी चल रही है कि 24 घंटों में फाइल 6 डिपार्टमेंट 7 डिपार्टमेंट से मूव होके उनको अपॉइंट कैसे किया गया। लेकिन संजय राउत जी ने जो ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के साथ में 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है, आप उस बात से सहमत हैं? हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, हम जो चिल्लाते हैं, हम ही नहीं, जनता जो चिल्लाती है पन्नास खोके एकदम ओके। अभी पन्नास खोके हर एक मुंबईकर को पता है खोके का मतलब क्या होता है, लेकिन आज भी वो 40 लोगों में से एक भी आदमी ने नहीं कहा है कि हमने खोका को हाथ नहीं लगा। अगर कुछ चोरी नहीं है की है तो आओ सामने बताओ। आप तो भाग गए थे सूरत गुवाहाटी गोवा करके आए, आज भी सिक्योरिटी लेके घूम रहे। हम तो यही है क्योंकि हमने चोरी नहीं की। आदित्य जी, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव जी, आपके बहुत अच्छे रिलेशन आज भी है, फिर आज आप उनको दुश्मन मानते हैं या दोस्त मानते हैं? देखिए, हमारे मन में कभी भी कटुता नहीं है। हमारे जो घर में एक माहौल है वो यही है कि किसी को भी पर्सनल एनिमी नहीं मानना चाहिए। अगर आपने देखा होगा तो कई सालों में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं पॉलिटिकली जिन्होंने हमारे फैमिली पे, हम पे, शिवसेना पे काफ़ी सारे गंदे एलिगेशन लगाए। कभी भी आपने मेरे मुंह से, मेरी जबान से कभी ऐसे सुना? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि जो है काम के बारे में बात करो। पॉलिसी पे शायद मैं आपका ओपोनेंट हूँ, लेकिन पर्सनली कोई मेरे दिमाग में, दिल में कुछ नहीं, दिल मेरा साफ है। और यही बात मैं कहते आया हूँ कि जैसे अभी आप मेरे खिलाफ कुछ लिखेंगे तो ऐसे नहीं होगा, हाँ बिल्कुल मैंने आपसे कहलवाएगा कि आदित्य आई लव यू, अच्छी बात है, वो ऐसे होना चाहिए। लेकिन ये जो माहौल होता है, मैंने मेरे दादाजी की और पवार साहब की तब की पॉलिटिकल राइवलरी देखी है, दोनों पर्सनली फ्रेंड्स थे, फैमिली काफ़ी सारे फ्रेंड्स रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल राइवलरी रहते हैं वो स्टेज पे रहती है, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है या पॉलिसी डिफरेंस होता है। आई थिंक दैट इज द वे इट शुड बी। यू कैन नॉट मेक पॉलिटिक्स विच इज सो पर्सनल, सो डर्टी, सो विंडिक्टिव। दैट इज नॉट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, दैट वॉज नेवर द पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र। पर आप उनको दोस्त मानते हैं, उन्होंने आर्य का सपना आपका था, तो आर्य में कुछ नहीं होना चाहिए, अभी आर्य में फिर से काम शुरू हो गया, तो दोस्ती नाते हो रहा है या? देखिए, हम तो दोस्त मानते हैं, वो क्या मानते हैं हमें, उनके मन में आप ज़्यादा जानते हो। कभी वो ऐसे आते हैं तो उनसे भी पूछिए, लेकिन आर्य की बात साफ थी, आज भी वही है कि आर्य में हमने तो 800 एकड़ का जंगल घोषित किया था, जो कारशेड की जगह है वो हमें मूव करना चाहिए थी, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो ये कारशेड इट विल रीच इट्स फुल पोटेंशियल बाय 2034, सो यू विल हैव टू बिल्ड अनदर कारशेड। वी वर पुटिंग टुगेदर 4 कारशेड्स, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 14, लाइन 6, 10,000 करोड़ बचा रहे थे सरकार के, लोगों के 10,000 करोड़ बचा रहे थे, टाइम भी बचा रहे थे, लेकिन कुछ उनके मन में पॉलिटिक्स था, कुछ ईगो इशू हुआ होगा, मुझे पता नहीं। अगर आज भी आप देखें तो उसी कारशेड में 5 लेपर्ड्स बैठे रहते हैं, तो जो जंगल है वो क्यों नष्ट करें, क्यों तोड़े? और ये तो हमारी मुंबई की बात रही, वो शायद कल मुंबई में रहे ना रहे, किसी और दुनिया के शहर में जाए, लेकिन जो मुंबई के लिए है, मेरे लिए मेरी मुंबई प्यारी है और मैं लड़ते रहूंगा मेरी मुंबई के लिए। यू नो, आप फैमिली की बात जब करते हैं, मतलब जब इतना मुश्किल वक्त आता है तो जो हमारे साथ में खड़े रहते हैं वो हमारे परिवार वाले रहते हैं, सो ये इज़न्ट दिस द राइट टाइम? आदित्य वैर, आप, उद्धव जी, राज साहब, अमित, दैट आप सब लोग एक साथ आके इससे लड़े, क्या आपके तरफ से ऐसी कोई पहल हुई है जिसमें आप और राज साहब या दोनों परिवार एक साथ आके इस चीज़ से लड़े? नहीं, उसको हम कभी नहीं डिनाई करते हैं कि परिवार हमारे साथ खड़ा रही है। अगर आज देखें तो जो भी दुनिया में हमारे साथ लोग खड़े हैं वो हमारा परिवार ही है, और वो वैसे ही रहेगा। नहीं, उन्होंने जो कहा, लोग वही बात कहते हैं कि
राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आने चाहिए, आदित्य और अमित एक मंच पर दिखना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए अतुल जी, मैं तो हर दिन पॉलिसी के बारे में बात करता हूँ, जो सही है जो गलत है उसके बारे में बात करते रहता हूँ। अगर आप देखें तो ये सारी जो बातें हैं ये काफ़ी पर्सनल बातें हैं, अलायंस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, कोई भी पक्ष हो। आज अगर आप देखें माहौल हमारे देश में तो हम सारे लोग एक ककून में रह रहे हैं, ककून में जी रहे हैं कि हमें लगता है कि हम ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमसे बढ़कर काफ़ी सारे विषय हैं जो लोगों को आज तकलीफ दे रहे हैं, महंगाई के हो अगर आप देखें तो काफ़ी सारी तकलीफें लोगों की है। ये तकलीफें जो है अलायंस हो ना हो, परिवार आए ना आए, हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो 50 साल पहले हुआ 20 साल पहले हुआ उसी पे झगड़ रहे हैं, कोई भी फ्यूचर के लिए झगड़ रहे नहीं है। कोई भी आज कह रहा नहीं है कि इलेक्ट्रिक बसेज आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हाईवेज बनने चाहिए तो मुंबई जैसे बनने चाहिए कि जोशीमठ जैसे बनने चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़े हमें भी इस बात से बाहर आना चाहिए कि ये अलायंसेस की बात हो, ये झगड़ों की बात हो, ये एक अंदरूनी बात होती है, लेकिन अगर आप देखें तो आम आदमी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, आपने अलायंस की बात कही, प्रकाश अंबेडकर जी के साथ उद्धव जी ने मीटिंग की, अलायंस किया, वो अलायंस एनसीपी और कांग्रेस को मंजूर है क्या? और उसने उसको जोड़कर ही सवाल है कि बीएमसी में आप अगर प्रकाश अंबेडकर जी के साथ जाएंगे तो कांग्रेस एनसीपी आपके साथ कहाँ रहेगी? अगर मगर की बातों में मुझे निकता नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक ही बात साफ है, महाविकास आघाड़ी फिर हम हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, कांग्रेस है, हम तो साथ में हैं, हर एक के दोस्त होते हैं तो साथ में लेकर जाएंगे, जो साथ में आएगा उसको आगे लेके जाएंगे। लाइट एंड वोट, जो हमें प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। प्यार से याद आया कि इज मैरिज ऑन दी कार्ड्स, आपके छोटे भाई हैं घर पे, वो तेजस भी अपना सोच रहा होगा कि भाई हम कतार में हैं, बड़े भाई का नंबर कार्ड्स पढ़ रहे हैं, मुझे दिखाइए। ये कार्ड्स में है ही नहीं, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे इज यू नो, बार बार कई बार लोगों की दिशा अलग अलग जगह पे चलते रहती है, सोशल मीडिया पे बहुत बार कुछ ना कुछ आता रहता है। ऋषि जी, ये प्रयास आपने 4 साल पहले भी किया था और आज भी करते रहिए, 4 साल बाद भी करते रहिए। इज देयर एनी थ्रेट टू इट, व्हाट्स हैपनिंग? आई थिंक लेट्स फोकस ऑन पॉलिटिक्स, द बेटर वे टू डू दैट। राहुल गांधी तो नहीं आदर्श आपका उस बारे में? हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं। रिश्ता जो भी कांग्रेस और सेना का हो रहा था, प्यार की बात निकली इसलिए पूछता हूँ। आपको ममाज बॉय कहते हैं, आपका और आपकी आई का बहुत बॉन्डिंग है, उनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है और कौन सी बात आपको बुरी लगती है? नहीं, मैं तो 50-50 हूँ दोनों के बीच में, क्योंकि ऐसे कई सारी चीज़ें होते हैं कि माँ से बात करो, कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि पिताजी से बात करो, लेकिन ऑफकोर्स ग्राउंडेड रखने में उनका काफ़ी बड़ा हाथ रहा है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अयोध्या, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस फ्रैंक चैट। आई नो इट्स नॉट वेरी इजी, बट आप सब लोग, मैं आई शुड टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, लाइक यू सेड टफ टाइम्स, आई हैव नेवर थॉट ऑफ इट एज टफ टाइम्स, बिकॉज दीज टाइम्स एंड दीज यू नो situations arise for all of us in our own different ways and different volumes. No, I was, you just have to keep, you know, fighting the tougher times, the question that you asked me. For everyone sitting here, I have to tell you a quality of Aditya. It's not very easy to meet the press and do a press conference. I cannot think of a lot of people, majority of the people will avoid press conferences, one-on-one interview is fine. But the day the counting in the house was going to happen, I remember Aditya walking into the Vidhan Bhavan, और वहाँ पे आते टाइम 10-15 सारे रिपोर्टर्स वहाँ पे थे, और वहाँ खड़े खड़े उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा होता है कि आपको एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्री पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पॉलिटिक्स पे कई अलग अलग सवाल उस वक्त पे पूछे जाते हैं, एंड आदित्य ऑब्वियसली केम आउट मी बिकॉज ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द सब्जेक्ट, ही वॉज एबल टू स्पीक ऑन एवरीथिंग, सो थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू डू दिस आदित्य। थैंक यू, एंड इट्स बीन अ प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू, थैंक यू सिद्धार्थ।